Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn Hindi subject in standard 3. So last time page number 11 के ऊपर जो words थे वो मैंने आपको notebook में 3 times लिखने दिए थे. I hope आप सबने homework किया होगा. आज हम start करेंगे page number 12 से. सही शब्द के सामने टिक करना है हमें, ठीक है? तो ये है जैसे पतंग है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन दे दिए है, वो तो हमने ऑलरेडी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आगे हमने की है. लेकिन अगर इसके भी सारे वर्ड्स आपको 3 टाइम्स नोटबुक में लिखने हैं, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो ऑलरेडी आगे के पेज में आ गया है तो वो अभी हमें नहीं लिखना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. वर्ग, वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज, पतंग. ये क्या है? पतंग. तो हम किसके सामने राइट करेंगे? पतंग के सामने, ठीक है? पतंग. उसके बाद है सेब. एप्पल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेब. सेब. अमरुद, अमरुद, अमरुद. शरीफा, शरीफा. ये क्या है? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया. बूढ़िया, बूढ़िया. खिलौना, खिलौना. वैन, वैन. कार, कार के सामने राइट करना है कार. उसके बाद है ट्रक, ट्रक. चलो नेक्स्ट है राजा, राजा. रानी, रानी. राजकुमार, राजकुमार. तो ये रानी है तो हमने रानी के सामने राइट किया है. उसके बाद है तीर. ये तीर है नहीं, तीर. बंदूक, बंदूक. तो हम बंदूक के सामने राइट करेंगे. उसके बाद है पिस्तौल, पिस्तौल. तारा, तारा. चंद्रमा, चंद्रमा. सूर्य, सूर्य. तो ये सूर्य है तो हम उसके सामने राइट करेंगे. उसके बाद है गेंद, गेंद. गोली, गोली. अंडा, अंडा. तो ये अंडा है इसके लिए उसके सामने हमें राइट करना है. नाव, ये नाव है उसके सामने राइट करना है. जहाज, जहाज. उसके बाद है विमान, विमान. कमल, कमल, कमल. उसके बाद ये किसका है जो पिक्चर है वो है गुलाब. तो हम यहाँ पे गुलाब के सामने राइट करेंगे गुलाब, गुलाब. गेंदा, गेंदा. बंदर, ये क्या है? बंदर. तो बंदर के सामने राइट करेंगे बंदर, बंदर. गधा, गधा, गधा. लंगूर, लंगूर. कलाई घड़ी, कलाई घड़ी. यानी कि क्या होता है कि रिस्ट वॉच जो हमारे मतलब हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं वो कलाई, कलाई घड़ी. फिर है दीवार घड़ी यानी कि क्लॉक. तो ये क्लॉक तो नहीं है. और मेज़ घड़ी, तो ये मेज़ घड़ी भी नहीं है. लेकिन ये हमें कलाई घड़ी के सामने राइट किया है. ये सारे नाम हमें लिखने हैं. ओके किड्स, तो आज के लिए आज के लिए इतना ही. पेज नंबर 12 के ऊपर जो भी वर्ड्स दिए हैं वो आपको 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.